सब्सक्राइब करें टेक्निकल बीट्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल बीट्स यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज हम बात करने वाले रियलमी 9i 4G वर्सेस रियलमी 9i 5G। आज हम इन दोनों डिवाइस के बीच कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है। तो चले गाइस, फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले डायमेंशन के बारे में। तो रियलमी 9i 4G के अंदर में वीट देखने को मिलती है 2.98 इंच, हाइट यहाँ पर हमें 6.47 इंच देखने को मिलती है, डेप्थ यहाँ पर हमें 0.33 इंच देखने को मिलता है और वेट यहाँ पर हमें 190 ग्राम देखने को मिल जाता है। रियलमी 9i 5G की बात कर ले तो यहाँ पर हमें वेट देखने को मिलती है 2.96 इंच, हाइट यहाँ पर हमें 6.47 इंच देखने को मिलती है, डेप्थ यहाँ पर हमें 0.32 इंच देखने को मिल जाता है और वेट यहाँ पर हमें 187 ग्राम देखने को मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट दोनों डिवाइस का डायमेंशन यहाँ पर सेम देखने को मिलता है, ज़्यादातर डिफरेंट देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं दोनों के डिस्प्ले के बारे में। तो रियलमी 9i 4G के अंदर में 6.6 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, 1080x2412 पिक्सल का फुल HD+ रिजोल्यूशन देखने को मिलता है, 19Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, ड्रैगन ट्रेल प्रो ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। वही रियलमी 9i 5G की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 6.6 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, 1080x2408 पिक्सल का फुल HD+ रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, 19Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। तो गाइस, यहाँ पर हम डिस्प्ले की बात कर ले तो दोनों डिवाइस में सेम यहाँ पर डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं दोनों के कैमरा सेटअप के बारे में। तो रियलमी 9i 4G के अंदर हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 15MP का मेन लेंस देखने को मिलता है 1.8 की अपर्चर के साथ, 2MP का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, 2MP का डेप्थ लेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, फ्रंट कैमरा यहाँ पर हमें 16MP का देखने को मिलता है। रियलमी 9i 5G की बात करते हैं, यहाँ पर भी हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 15MP का मेन लेंस देखने को मिलता है 1.8 की अपर्चर के साथ, 2MP का डेप्थ लेंस देखने को मिलता है और 2MP का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है और फ्रंट कैमरा यहाँ पर हमें 8MP का देखने को मिलता है। तो ऑलमोस्ट दोनों का कैमरा सेटअप सेम देखने को मिल जाता है। रियर का अगर सेल्फी कैमरा की यहाँ पर हम बात कर ले तो रियलमी 9i 4G का सेल्फी कैमरा काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाता है रियलमी 9i 5G की कंपैरिजन में। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं इन दोनों के परफॉर्मेंस के बारे में। तो रियलमी 9i 4G के अंदर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का 4G 6nm वाला चिपसेट देखने को मिलता है। वही रियलमी 9i 5G की बात करें तो यहाँ पर हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 का 5G 6nm वाला चिपसेट देखने को मिलता है। तो ऑलमोस्ट दोनों का परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें सेम देखने को मिलता है, बट यहाँ पर ये नया डिवाइस है तो यहाँ पर 5G वाला चिपसेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं इन दोनों के मेमोरी सेटअप के बारे में। तो रियलमी 9i 4G के अंदर में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 4GB 64GB, 4GB 128GB, 6GB और 128GB। यहाँ पर आप एक्सपांडेबल स्टोरेज 1TB तक यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, यानी ड्यूअल सिम प्लस अलग से मेमोरी कार्ड आप यूज़ कर पाएंगे। रियलमी 9i 5G की बात करें तो यहाँ पर हमें दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, 4GB 64GB, 6GB और 128GB। एक्सपांडेबल स्टोरेज यहाँ पर आप 1TB तक यूज़ कर पाएंगे और डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा, यानी ड्यूअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड आप यूज़ कर पाएंगे। तो ऑलमोस्ट दोनों में मेमोरी सेटअप सेम देखने को मिलता है, बट रियलमी 9i 4G को अगर आप देख ले तो यहाँ पर आपको 4GB और 128GB वाला एक वेरियंट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं दोनों के बैटरी बैकअप के बारे में। रियलमी 9i 4G की बात कर ले तो यहाँ पर हमें 5000mAh की बैटरी और 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। वही रियलमी 9i 5G की बात कर ले तो यहाँ पर हमें 5000mAh की बैटरी और 18W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। तो ऑलमोस्ट बैटरी दोनों डिवाइस के अंदर सेम देखने को मिलती है, बट बेहतर चार्जर यहाँ पर हमें 4G वाले वेरियंट्स के अंदर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं दोनों की सिक्योरिटी के बारे में। तो 9i 5G और 9i 4G दोनों डिवाइस के अंदर में साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस रिकॉग्निशन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं दोनों के प्राइस सेगमेंट के बारे में। तो रियलमी 9i 4G के अंदर में 4GB 64GB वाला वेरियंट 13,499 में मिलता है, 4GB 128GB वाला वेरियंट 14,999 में मिलता है, 6GB और 128GB वाला वेरियंट हमें 15,999 में देखने को मिल जाता है। रियलमी 9i 5G की बात कर ले तो यहाँ पर हमें 4GB 64GB वाला वेरियंट 14,999 में मिलता है, 6GB और 128GB वाला वेरियंट हमें 16,999 में मिलता है।
तो प्राइस सेगमेंट की बात कर ले तो यहाँ पर काफ़ी कम प्राइस में 4G वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप हायर प्राइस खर्च करना चाहते हो तो आपके लिए 5G वेरिएंट भी काफ़ी बेहतर है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं दोनों के कंपैरिजन के बारे में, तो 9i 4G और 9i 5G का कंपैरिजन देख लेते हो तो दोनों डिवाइस के अंदर सेम डिस्प्ले देखने को मिलता है, फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाला। प्रोसेसर ऑलमोस्ट दोनों का सेम देखने को मिलता है, ज़्यादातर दोनों की चिपसेट में डिफरेंट देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर हमें 9i 4G के अंदर एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है और 5G के अंदर हमें 12 देखने को मिलता है। कैमरा सेटअप दोनों का सेम है, रियर का सेल्फी कैमरा यहाँ पर हमें रियलमी 9i 4G का बेहतर देखने को मिलता है 5G की कंपैरिजन में। बैटरी बैकअप दोनों डिवाइस के अंदर हमें सेम देखने को मिल जाता है। चार्जर की बात कर ले तो यहाँ पर 9i 4G का चार्जर हमें काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है 9i 5G की कंपैरिजन में। प्राइस सेगमेंट की बात कर ले तो काफ़ी लोएस्ट प्राइस के अंदर हमें 9i 4G के वेरियंट्स यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं, बट अगर आप इससे थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च कर लेते तो आपके हाथ में 5G वाला वेरियंट्स आ जाएगा, यानी कि आपको लॉन्ग टाइम तक अपने वेरियंट्स को चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर हम वैल्यू फॉर मनी की बात कर ले तो अभी तो जो नया डिवाइस आता है उसी को हमें परचेस करना चाहिए, यानी कि आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रियलमी 9i 5G ही रहने वाला है। तो गाइस ये था रियलमी 9i 4G वर्सेस रियलमी 9i 5G का कंपैरिजन। आपको इन दोनों डिवाइस में से कौन सा डिवाइस सबसे बेहतर लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।